बच्चे बहुत कभी कभी टूट जाते हैं, उनको कैसे मैसेज देती हैं, कैसे सिखाती हैं? बच्चों को तो यही दिया जाता है कि संघर्ष ही जीवन है, जीवन में तो आप संघर्ष करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। मेरे पेरेंट्स कारपेंटर हैं और मेरी मम्मी का डेथ हो चुका है, वो 2021 में हुआ था। गोल के भी टीचर अच्छे थे सर, हर मतलब डाउट जो भी होता था हम लोग का हर अगले दिन ही रिजॉल्व हो जाता था डाउट। मतलब वहाँ का व्यवस्था भी बहुत अच्छा है, मतलब अच्छा। हाँ, और गोल विलेज चल गए तो सिलेक्शन पक्का है। पहले सोचते थे कि 630-640 हज़ार तो बहुत हो जाए, कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा अच्छा बिहार में, लेकिन फिर जब वो पास किए एग्जाम तो बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ा था कि हाँ ज़्यादा ला सकते हैं, इसे अच्छा कर सकते हैं। फिर दिखाना है कि नहीं दिखाना है? हम डॉक्टर बन गए थे, किसी एक बच्चे और किसी को डॉक्टर हम बनाने की कोशिश करेंगे इन्हीं के मैम की मदद से। और अच्छे जगह यहाँ पर ये सर, यहाँ पर एकेडमिक फी गोल का लगभग 50-60 है, लेकिन हाँ। स्कॉलरशिप मेरा सिर्फ 11,000 पे हो गया था सर। स्कॉलरशिप यस सर 680 पूरे खुश है। यस ये बताइए कि कौन से कॉलेज आप सोच रहे? एम्स भुवनेश्वर या एम्स पटना, BHU। अगर ये नहीं रहते तो पॉसिबल होता डॉक्टर बनना? ऑब्वियसली नहीं। मेहनत तो बहुत लगा, लेकिन सर लोग के सपोर्ट और दोस्त लोग के सपोर्ट से बहुत आसान हो गया जर्नी है। कभी सोची थी? नहीं, बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था, गोल के बिना बहुत मुश्किल था ये। नमस्कार, मैं हूँ निकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे थे कि सारथी और गोल ने मिलकर फिर से धमाल मचा दिया। और आप भी जानते हैं कि हर साल ये लोग मिलकर धमाल ही मचाते हैं। नीट के जितने भी बच्चे हैं ना, जो भी यहाँ पढ़ते हैं वो निकालते ही निकालते हैं। विपिन सर हमारे साथ मौजूद हैं, कैसे कर लेते हैं ये सब? जब इच्छा शक्ति हो तो होता है और अच्छा होता है। बच्चों के अंदर, इस सारथी ट्रस्ट के अंदर और गोल संस्थान तो पिछले 26 वर्षों से यही काम करते आ रही है। बिहार से निकलकर संस्थान बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और कई राज्यों तक काम करने का अनुभव रखा, लेकिन एक बात तो मानते हैं कि बिहार के छात्रों में बहुत जुनून है, बहुत इच्छा शक्ति है। आप ही लोग के कारण ये सब पॉसिबल है, क्योंकि बहुत लोग हार मान जाते हैं पैसे नहीं होने के कारण, लोग टूट जाते हैं। वैसे तो मैं मानता हूं कि सफलता में 90% कंट्रीब्यूशन छात्रों के मेहनत का है, 10% में हम सभी मेहनत करने वाले लोग होते हैं जो उनको सपोर्ट देने वाले संस्थान हो या अभिभावक के पैसे हो, 10% कंट्रीब्यूशन देता है। लेकिन ये बिहार के छात्र जब जुनूनी होते हैं और उस जुनून को अगर सही तरीके से, सही दिशा और सही ईमानदारी से उसके लिए काम करने वाली संस्थान आगे आती है तो रिजल्ट ऐसा ही होता है। 400 से ज़्यादा सिर्फ गोल विलेज के बच्चे सफल किए, सफलता हासिल किए, जिन्होंने 600 से ज़्यादा मार्क्स लाया है उन्हीं में से ये बच्चे हैं जो दिख रहे हैं यहाँ पे 16 के संख्या में, 15 अभी आज आए हुए हैं। और इन लोगों को अच्छा मेडिकल कॉलेज स्टेट का और ऑल इंडिया का भी मिलेगा। ये जो चाहेंगे वो तो नहीं मिलता है कभी किसी को, लेकिन हाँ ये है कि अब अच्छे मार्क्स लाए हैं तो इनके अच्छे कॉलेज मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा है। और ये सभी बच्चे जो आज यहाँ पे आए हैं ये सारथी ट्रस्ट के द्वारा सपोर्टेड हैं। सारथी मतलब कि 16 के 16 बच्चे थे, सब लोग कहाँ गए? ये 16 बच्चे को सिलेक्ट किया गया था और सभी के मार्क्स और सभी के रैंक सामने हैं, सब ट्रांसपेरेंट है, बच्चों से आप पूछ सकते हैं सारी चीज़ें। तो ये सभी बच्चे सफल हुए हैं। लास्ट ईयर भी 15 बच्चों को रखा गया था, सिर्फ एक बच्चे को उस वर्ष नहीं मिला, बाकी सभी बच्चों को सफलता मिली थी और मेडिकल कॉलेज में आप पढ़ाई कर रहे हैं। तो सारथी ने जिस तरीके से बच्चों को आर्थिक मदद दी है उसके मनोबल बढ़े हैं, और बढ़े हुए मनोबल के साथ जब उसके पीठ पर कोई हाथ रखता है, जब सर पर आशीर्वाद देता है संस्थान, तो निश्चित रूप से वो रिजल्ट में बदलता है, आगे बढ़ती हैं। चलिए, मैम हैं जिन्होंने सारथी शुरू किया, कैसे दिमाग में आया था कि इन बच्चों को बहुत आगे ले जाना? कोशिश है कि जितना आगे जा सके उतना आगे जाए, लेकिन कोविड के समय सब जगह स्कूल सब कुछ बंद हो चुका था और बच्चे घर में थे। पहले भी इस बात को हम चर्चा कर चुके हैं, नहीं हारना है, आप एक एग्जांपल हैं। हाँ हाँ, वो तो आप बच्चे बहुत कभी कभी टूट जाते हैं, उनको कैसे मैसेज देती हैं, कैसे सिखाती हैं? बच्चों को तो यही दिया जाता है कि संघर्ष ही जीवन है, जीवन में तो आप संघर्ष करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, और शिक्षा तो सबसे पहला चीज़ है उसमें। तो बच्चों को यहाँ पे इंग्लिश, हम लोग के यहाँ पे तो साथी में इंग्लिश, मैथ्स और कंप्यूटर का ज़्यादा शिक्षा दिया जाता है, और बच्चों को अच्छा से अच्छा एजुकेशन देने की कोशिश में रहते हैं। उन लोग को हिम्मत धारत तो हिम्मत तो कभी हारना ही नहीं चाहिए ज़िंदगी में। और भी गुरुजी हैं लेकिन उनसे बाद में बात करेंगे, लेकिन जो बच्चे हैं यहाँ पे आप बताइए, सारथी का मदद कितना हुआ, गोल कितना मदद किया, कहाँ से आए हैं? मैं सर, मैं सहरसा ज़िला से हूँ, मैंने गोल इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था अपना टेस्ट प्रिपरेशन के लिए। सारथी में आप कैसे आ गए, मतलब कैसे, कौन बताया आपको, कैसे आ गए आप, कैसे ज्वाइन किया? तो गोल इंस्टीट्यूट में एक एग्ज़ाम हुआ था चैलेंजर का, तो वो एग्ज़ाम मैंने पास किया था। तो फिर सर पूछे तुम्हारे पेरेंट्स क्या करते हैं, तो मैंने बताया मेरे पेरेंट्स, आपके माँ बाप क्या करते हैं? मेरे पेरेंट्स कारपेंटर हैं और मेरी मम्मी का डेथ हो चुका है, वो 2021 में हुआ था। पिताजी क्या करते हैं? पेरेंट्स कारपेंटर हैं, लकड़ी का काम करते हैं। लकड़ी का काम करते हैं जी। बहुत वैसा है कि छोटा सा दुकान है जिसमें वो लकड़ी काटते हैं, मतलब छोटा सा ही दुकान है, उतना
पिछला बार जो मैंने तैयारी किया था वो ऑनलाइन किया था कम्प्लीटली, दो साल मैंने 11th 12th ऑनलाइन पढ़ा था, उस तरह का गाइडेंस नहीं मिला था मुझे। तो पिताजी को लकड़ी नहीं ना काटने दीजिएगा? तो हाँ, वो तो नहीं दूंगा कभी नहीं, इसी के लिए मेहनत कर रहे हैं कि पिताजी लकड़ी ना काटें। हाँ, वो कौन सा कॉलेज आपको चाहिए, कहाँ जाने वाला? शायद एम्स पटना मुझे मिल जाएगा तो वो। हाँ, ये बताइए कि सारथी की जो मैम है उनसे कितना मोटिवेशन मिलता है? गोल विलेज में जो वो सेमिनार होता था तो सर लोग आते थे, वो काफ़ी मोटिवेट करते थे जिससे मेरा मनोबल बढ़ता था, मैं काफ़ी अच्छा हार्ड वर्क भी करता था। मार्क्स आया आपको? मेरे 675 मार्क्स। 675, चलिए आपको कितना मार्क्स आया? मेरा 631 है। कैसा लग रहा है, मतलब कि? मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे सारथी ने जो हमको हेल्प किया उसके लिए, मतलब उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दिल से, क्योंकि उनका मेरे पापा एग्रीकल्चर में है, किसान है, किसान के बेटे हैं, तो मेहनत तो आप जम के करते होंगे। मम्मी क्या करते हैं? मम्मी हाउसवाइफ है। तो सारथी ने बहुत मदद किया, गोल के टीचर कैसे? हाँ, गोल के भी टीचर अच्छे थे सर, हर मतलब डाउट जो भी होता था हम लोग का हर अगले दिन ही रिजॉल्व हो जाता था डाउट, मतलब वहाँ का व्यवस्था भी बहुत अच्छा है, मतलब व्यवस्था बहुत अच्छा है। हाँ, और गोल विलेज चल गए तो सिलेक्शन पक्का है। आप आगे आ जाइए, आप बताइए कि कितना मार्क्स है? 640। 640 कहाँ होगा, क्या लगता है? कोई बिहार का कोई कॉलेज टॉप। माँ बाप क्या करते हैं? फार्मर है पापा, फार्मर है, मम्मी हाउसवाइफ। मम्मी हाउसवाइफ। अच्छा, ये कभी सोचे थे कि किसान का बेटा इतना आगे चल जाएगा, दिमाग में था ये? सर, गोल का सपोर्ट मिला और सारथी ट्रस्ट का सपोर्ट मिला जिससे ये पॉसिबल हुआ। अब माँ बाप को आप जो चाहे वो दे सकते हैं? यस सर, फ्यूचर में। फ्यूचर में कितना मार्क्स आया? 680। 680 जी। माँ बाप क्या करते हैं? सर, मम्मी टीचर और फादर नहीं है। फादर नहीं है जी। कब गुजर गए मतलब? तो हम लोग साथ नहीं रहते हैं, वो अलग रहते हैं। हाँ जी। कैसे फैमिली वाले की, कैसे आपका? हम लोग शुरू से ही नाना जी के यहाँ रहे मम्मी के साथ। दिक्कत बहुत होता होगा? हाँ। पैसों का कितना दिक्कत हुआ ये बताइए? नाना जी और थे तो हमेशा हेल्प करते थे। मैम सामने बैठी हैं सारथी की, वो कितना हेल्प किया आपको ये बताइए जी। जब मतलब टेस्ट हुआ था तो मतलब बताया गया था गोल विलेज में कि मतलब चैलेंजर का टेस्ट होने वाला है और उसमें अच्छा करोगे तो मदद मिलेगा, तो उसके लिए तो लग गया होगा कि भाई ये अगर निकालेंगे तो सारथी वाले बहुत आगे बढ़ाएंगे। हाँ, पहले सोचते थे कि 630-640 आ जाए तो बहुत हो जाए, कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा अच्छा बिहार में, लेकिन फिर जब वो पास किए एग्जाम तो बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ा था कि हाँ, ज़्यादा ला सकते हैं, इसे अच्छा कर सकते हैं। फिर दिखाना है कि नहीं दिखाना? दिखाना है, दिखाना है। आप आ गया जी, आपका मार्क्स कितना ही? 645। कब आए सारथी में और कैसा लगा पढ़ के गोल? वो चैलेंजर का एग्जाम देने के बाद फिर गोल वालों ने लिया। पटना से, बाहर से? बिहार से ही। खगड़िया डिस्ट्रिक्ट। बताइए माँ बाप क्या करते हैं? बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन, तो वादा करके आए थे आप? यस सर। डॉक्टर बनेंगे पक्का? ऐसा सपोर्ट मिल गया तो हो गया, और सपोर्ट मिल गया तो हो गया। क्या नाम हुआ? अमन कुमार सिन्हा। सामने जो बैठे हैं उनको कितना थैंक यू बोलिएगा, एक तरफ मैम है एक तरफ विपिन सर। बहुत बहुत थैंक्स है। गोल का क्या साथ रहा पहले ये बता दीजिए। गोल के सपोर्ट से और सारथी के सपोर्ट से हमारे स्कोर आया। सारथी के सपोर्ट से आपको क्या, मतलब कि बैकबोन जैसा था? मोटिवेशन मिला, एक सपोर्ट फाइनेंशियल भी था, मोटिवेशन भी मिला। लेकिन ये दिमाग में नहीं है ना कि अगर सारथी है तो पैसों का दिक्कत नहीं होगा, ये हाँ, दिमाग में आया कि नहीं आया? ये नहीं आया बिल्कुल भी, सपोर्ट पूरा मिला गोल और सारथी। चलिए आप बताइए कि आप कौन सा कॉलेज सोच रहे हैं? तो IGM में सोच रहे हैं। आउट ऑफ सिक्स फोटो में आप कहाँ हैं पहले ये बताइए? वहाँ पर 643 आउट ऑफ 720। देखिए वहाँ पर जो बैनर लगा हुआ है वहाँ पर थर्ड रो में सेकेंड वाले हैं, कौन सा कॉलेज सोच रहे हैं? तो IGM से अप्रोच कर रहे हैं अभी, जो मिल जाए। दोनों का काउंसलिंग बताइए, सारथी ने कितना साथ दिया, गोल ने कितना साथ दिया? दोनों का साथ तो बहुत इंपॉर्टेंट था। हाँ। मेरे जर्नी में, नीट निकालने के जर्नी में, और दोनों को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा कि अब डॉक्टर बनेंगे कि नहीं बनेंगे? एकदम विपिन सर का आशीर्वाद रहेगा और सारथी मैम का जो आशीर्वाद रहेगा। तो बन जाएंगे तो मिठाई खिलाई खिलाने? बिल्कुल बिल्कुल, मिठाई बहुत कुछ होगा। हम डॉक्टर बन गए तो किसी एक बच्चे और किसी को डॉक्टर हम बनाने की कोशिश करेंगे इन्हीं के मैम की मदद से और विपिन सर। अच्छे जगह आने का ना यही एक मैसेज होता है कि देखिए अभी एज क्या और आपका? मेरा एज 20। 20 साल का है लेकिन अभी सोच लिया कि डॉक्टर बनेंगे तो किसी एक बच्चे को डॉक्टर जरूर बनाएंगे। आप इधर आ जाइए, क्या नाम हुआ आपका? सर, वीर किशोर कुमार। क्या मतलब कि माँ बाप क्या करते हैं आपके? मेरे पिताजी डेथ हो गए और माँ हाउसवाइफ है। तो मम्मी कैसे आपको पाली पोसी, पापा नहीं है तो कैसे की? सर यहाँ पर आने के बाद तो फाइनेंशियली कोई दिक्कत नहीं हुआ क्योंकि गोल और सारथी दोनों आपको प्रोवाइड करता है। हाँ, मेरी यहाँ पर यस सर, यहाँ पर एकेडमिक फी गोल का लगभग 50-60 है लेकिन हाँ, स्कॉलरशिप मेरा सिर्फ 11,000 पे हो गया था सर। यस सर, तेज अगर रहेंगे तो आपको सोचना नहीं है कि पैसा है या नहीं है क्या? यस सर, अगर आपके आपके पास टैलेंट है तो सर गोल और सारथी दोनों आपको अच्छे से प्रोवाइड करेगा आपकी आपके एम्स का। आपके जाइएगा आप और वहाँ आप कहाँ पे हैं वो बताइए कि आपका कहाँ पे है? सेकेंड राउंड में लास्ट में सर, 650।
राउंड में लास्ट कितना मार्क्स आया था? 651 आउट ऑफ 720। कहां आप जाएंगे? सर एम्स ग्रुप टारगेट कर रहे हैं। यस सर। अब मम्मी को आप क्या करेंगे, मतलब बताइए कि मम्मी का सपना बहुत होगा। यस सर। सबसे पहले क्या करेगा डॉक्टर बन जाएगा तो? सर मम्मी की सपने को पूरा करेंगे और सर खुद कोई एक जो दिमाग में एकदम है सर लोगों की सेवा करना। और सर मेरी सपना सर कि जो मैं जब मन जाऊंगा तब मैं सारथी जो और गोल जिस रास्ते पर चलूँ साथ में चलने की कोशिश करूँगा। यस सर। लोगों को बनाइएगा डॉक्टर। यस सर। मदद करेंगे। यस सर। चलिए एक इधर आ जाइए, मैम आपके सामने है, सर भी आपके सामने है, अगर दो लाइन बोलना हो तो क्या बोलिएगा विपिन सर के लिए? सर विपिन सर के तो काफ़ी सपोर्ट है सर, मुझे इमोशनली और मेंटली काफ़ी फिट कर दिए सर, उन्हीं की वजह से सर 651 और 720 लाए हैं सर। अब मैम की बारी आई, मैम और मैम ने जो मेरी फाइनेंशियली काफ़ी सपोर्ट की है और जो 11th जो बताए थे सर उसमें मैम का काफ़ी सपोर्ट है, वो 11th। यस मैम। दिल खुश हुआ कि नहीं हुआ? यस सर काफ़ी खुश हुआ। पिताजी रहते तो एकदम छाती चौड़ा रहता। यस सर। यस का अब सपना पूरा करना। यस सर। चलिए मार्क्स लाया 680। 680 पूरे खुश हैं? नहीं। यस सर। ये बताइए कि कौन सा कॉलेज आप सोच रहे हैं? एम्स भुवनेश्वर या एम्स पटना या BHU। अगर ये नहीं रहते तो पॉसिबल होता डॉक्टर बनना? ऑब्वियसली नहीं होता, लेकिन और मेहनत करनी पड़ती है अपने तरफ से। देखिए जितने भी लोग सोचते हैं कि पैसा नहीं होने के कारण हम पीछे हट जाते हैं, हम रोने लगते हैं, हम हार मान जाते हैं, हम कुछ और करने लगते हैं, सारथी अगर रहे साथ में और गोल जैसे लोग रहे तो और अच्छा कर पाएंगे। और बच्चे लोग टैलेंटेड है जो कर सकते हैं वो भी कर पाएंगे, क्योंकि कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है जब कोई। हाँ ऑब्वियसली बूस्ट में। आप अब बताइए डॉक्टर बन जाइएगा तो सबसे पहले काम क्या करिएगा? सबसे पहले सच बोलना है, गाड़ी खरीदेंगे तो गाड़ी खरीदेंगे। यस सबसे पहले तो अपने पापा का और मम्मी का ड्रीम पूरा करना है। एक घर या बड़ा गाड़ी? गाड़ी घर सब कुछ। सामने मैम बैठी है जो सपोर्ट की, उनको क्या दीजिएगा? और मैम के लिए तो हमेशा कोई भी मैम को अगर ज़रूरत होगा कभी भी तो हमेशा डॉक्टर का जो भी हेल्प होगा तो वो तो हमेशा करेंगे। यस सर। मेहनत कितना लगा? भावुक हो रही हैं आप, बोले कि इमोशनल हो रही हैं सर। मेहनत तो बहुत लगा, लेकिन सर लोग के सपोर्ट और दोस्त लोग के सपोर्ट से बहुत आसान हो गया जर्नी है। कभी सोची थी? नहीं, बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था गोल के बिना, बहुत मुश्किल था ये। बहुत मुश्किल था। तो डॉक्टर बन जाएंगे? यस। सेवा करेंगे अच्छे से कि नहीं? यस यस ऑब्वियसली करना ही है, करना ही है। आप बताइए कि कैसा रहा जर्नी, बताइए। सबसे तो हमने पूछ लिया जर्नी कैसा था, सारथी का साथ, गोल का साथ, आपका जर्नी? काफ़ी मोटिवेटिंग था। लाइक आप जब हॉस्टल में होते हो तो आप लोगों को देखते हो कि इतने सुबह उठ के सब पढ़ने चले गए, तो जैसे घर पे होते तो ऐसे होता ना कि थोड़ी देर और सो लेते हैं, पर हॉस्टल में आप सबको देखते हो तो एक कॉम्पिटिशन वाली फीलिंग आती है, तो जल्दी जल्दी उठ के जाओ सब लोग पढ़ने। काफ़ी मोटिवेटिंग रहा और फिनेंशियली मोटिवेशन मिला सारथी से। देखिए सारथी और गोल का कमाल है ये, जो सारे बच्चे दिख रहे हैं ना, सारे जो खुश हैं कि नहीं, एक बार थोड़ा सा स्माइल करके बोल दीजिए, है या नहीं है खुश? बहुत खुश है। देखिए विपिन सर भी मौजूद थे, मैम भी मौजूद थी। देखिए सारथी और गोल का जो कमाल है ना, वो धमाल हो गया है। आपको दिख रहा होगा कि किस तरह से जो बच्चे हैं वो खड़े हैं और सारे लोग जो है, सारे फैकल्टीज भी हैं, सब लोग यहाँ पे हैं और खुश बहुत है। तो चीयर करिएगा कि नहीं करिएगा? यही खुशी है जो सारथी और गोल ने दिया है इन बच्चों को। 16 के 16 बच्चे थे, सारे लोगों ने निकाल लिया है नीट। अब सेवा करेंगे और कौन कौन से बच्चे थे, क्या कहे हैं गोल के बारे में, क्या कहे हैं सारथी के बारे में, कितना साथ मिला है, सपना टूटता नहीं है जो लोग यहाँ आते हैं। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने, चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। धन्यवाद।